hello children that day we started uh, a new chapter that is chapter number 7 conservation of plants and animals and uh, we studied that day about the deforestation we studied what is deforestation what are the causes of deforestation and uh, we also studied about the consequences of deforestation. So, dear children, if you have missed that lesson or that class, you can watch in the video. Uh, if you want link, then you you can uh, tell me, or you can search on my channel. Now today, today uh, we are going to study how uh, we can save. आवर प्रेशियस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ओके सो कंजर्वेशन इज़ द वर्ड फॉर द सेविंग विच मीन्स सेविंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ना कि कैसे करें इतना आपने सुना होगा लोग फॉरेस्ट uh, में जाकर हंटिंग करते हैं और बहुत ही वैल्यूएबल एनिमल्स को मार देते हैं और उससे पूरा इको सिस्टम हमारा हिल जाता है तो कैसे रोका जाए क्या किया जाए सो गवर्नमेंट हैज़ पुट एफर्ट्स एंड ट्राई टू सेव दीज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड द गवर्नमेंट हैज़ मेड बायोस्फीयर रिजर्व्स national parks and wildlife sanctuaries to save our forest and the wildlife living in it okay so we will be in this session in this class we will be studying about, about these three um, things or these th three things which are set up by the uh, by our government to protect forest and wildlife लेट्स बिगिन विद द वर्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है लेट्स ब्रेक दिस वर्ड बायो प्लस स्फीयर। बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स एरिया सो एरिया में क्या क्या आ जाता है लैंड वाटर एंड एटमोसफियर है ना तो इस एरिया में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब लाइफ आपको दिखेगी वो डैट कंस्टिट्यूट्स बायोस्फीयर एंड वॉट डू यू मीन बाई रिजर्व 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 होता है जो सुरक्षित हो ये जगह मेरे मेरे लिए रिजर्व है तो ये जगह मेरी है मेरे लिए सुरक्षित है सो रिज़र्व मीन्स डैट इट इज़ अ स्पेशल एरिया रिकोगनाइज फॉर बैलेंसिंग कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल यूज मतलब इसका मतलब ये है कुछ ऐसी जगहें रिजर्व हो गई हैं हमारे फॉरेस्ट लाइफ के लिए वाइल्ड लाइफ के लिए और वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं ताकि इस इन इन फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके और साथ ही साथ उस फॉरेस्ट को हम अप जुडिसियसली इंटेलिजेंटली यूज़ कर सकें ओके सो एक बायोस्फीयर की पिक्चर आपके सामने है बायोस्फीयर रिजर्व की पिक्चर आगे देखते हैं वो कैसा दिखता है और करीब से देखते हैं देखिए ये ये एनिमल आराम से घूम रहा है बायोस्फीयर रिज़र्व में व्हाट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर बहुत बड़ा एरिया होता है बेटा बायोस्फीयर आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ़ द ट्राइबल्स लिविंग देयर मतलब बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ जो प्रोटेक्टेड है जहाँ बर रहने वाले सभी प्लांट्स एनिमल्स और ट्राइबल लोगों की रक्षा की जाती है उनके ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है ठीक है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी

क्या बन जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ला ये बन जाता है बायोस्फीयर रिजर्व सो देखते हैं यहाँ पर पहले देखते हैं ये जो मैंने एक पिक्चर एक मैप बनाया है जिसमें पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई दे रहा है इस ये बहुत बड़ा एरिया है देखो बहुत बड़ा एरिया है और इसमें आप देख रहे हो ये सतपुरा नेशनल पार्क है ये दीज़ आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभी पढ़ते हैं क्या होता है वो ठीक है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इधर देखिए बहुत सारी ये पंचमढ़ी सेंचुरी है तो ये तावा रिजर्वायर है तो एक मतलब मेरा आपको बताने का मतलब ये है पचम कोई भी बायोस्फीयर रिज़र्व है वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर बनता है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स के एग्जाम्पल हैं नंबर वन एंड फ्यू एग्जाम्पल्स आर शोन इन इन दिस स्लाइड दैट इज़ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पचमरी बायोस्फीयर रिज़र्व चानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एंड अगस्थायमाला बायोस्फीयर रिजर्व इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी अबाउट दीज दिस बायोस्फियर रिज़र्व स्पेसिफली स्पेसिफिकली देन यू शुड सर्च ऑन द गूगल नाउ गो बैक लेट्स गो बैक बायोसफियर रिज़र्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं अब हमने आपको बताया कि एक बायोसफियर रिज़र्व में बहुत प्लांट्स भी होंगे एनिमल्स भी होंगे और वहाँ पर रहने वाले ट्राइबल लोग भी होंगे तो एक सिस्टम अपने आप चलता रहता है प्लांट्स एनिमल्स ट्राइबल लोग और प्लांट्स क्या करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का यूज़ करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं ठीक है और उस खाने को हम खाते हैं मतलब एक तरह से इंटरेक्शन होता रहता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ में ठीक है तो ये मिलकर एक क्या बनाता है एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाता है जिसको हम इकोसिस्टम सिस्टम कहते हैं इको मीन्स एनवायरमेंट सिस्टम मीन्स सिस्टम व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम सिस्टम इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सिस्टमैटिक तो एक नेचर में भगवान ने वी शुड वी शुड थैंक आवर गॉड दैट गॉड हैज क्रिएटेड सच अ ब्यूटिफुल सिस्टम विच 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 वर्क्स इंडिपेंडेंटली अपने आप ये सिस्टम काम करता है सस्टेनेबल हो, होता है सस्टेन अपने आप करता है अपने आप चलता रहता है हमें कोई चलाने की ज़रूरत नहीं होती जैसे आ, अब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं स्कूल में तो एक प्रिंसिपल चलाता है या ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर्स चलाते हैं बट ये सिस्टम ऐसा है नेच नेचर में जो अपने आप चलता रहता है फॉर एग्जाम्पल योर किचन गार्डन इज़ अको सिस्टम वहाँ पर प्लांट्स भी हैं एनिमल्स भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो आपस में उनका लेना देना चलता है और वो सिस्टम को चलाते रहते हैं सो दिस इज़ इको अब आते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट्स एनिमल्स और ट्राइबल पीपल आपको बताया तो प्लांट्स को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है फ्लोरा फ्लोरा आर द प्लांट्स फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया फोना आर द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया तो समझ में आ गया प्लांट्स और एनिमल्स हम जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं उसको आप साइंटिफिकली फ्लोरा एंड फोना बोल सकते हैं सो so, कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम बताते हैं पचमरी पचमरी के फ्लोरा फ्लोरा ऑफ पचमरी कंसिस्ट ऑफ साल टीक वाइल्ड मैंगो Mm, jamun, silver fawns and fauna. Fauna means animals. The animals of Pachmari consist of wild dog, cheetal, wolf, leopard, blue bull, uh, barking deer, etc. Some of these are shown in the picture also. Now, one more term that is endemic species. What are endemic species? endemic species are those species of plants and animals found only only in a particular area and not found anywhere else समझ तो में आ गया एक ही ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो एक ही जगह मिलेंगे आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी यह है फ्लोरा फोना के बारे में बात करते हैं बिसोन इंडियन जाइंट स्क्विरल स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर द एंडेमिक फोना ऑफ पचमरी ओके ओके अब अपने उत्तराखंड की बात करते हैं द नेचुरल बायोस्फियर रिजर्व ऑफ उत्तराखंड नंदा देवी नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क इज फाउंड इज

इसमें भी दिखाया था मैंने नंदा देवी बायोस्फियर रिज़र्व दिस इज द बायोस्फियर रिजर्व ऑफ उत्तराखंड वी आर प्राउड दैट वी आर द पीपल ऑफ उत्तराखंड एंड इफ वी गेट चांस यू शुड डेफिनेटली गो टू गो देयर एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दिस बायोस्फियर रिजर्व ना लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल पार्क वॉट इज़ अ नेशनल पार्क नेशनल पार्क आर द एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्स नेशनल पार्क में आपको पूरी वाइल्ड लाइफ मिलेगी जो फ्रीली घूम सकती है वहाँ कोई बंदिश नहीं है कोई बाउंड्री नहीं है ठीक है बड़े बड़े एरियाज होते हैं फ्रीली घूम सकते हैं जैसे डियर अपना घूम रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं खा रहे हैं अपने रिसोर्सिस को यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सिस को ये नेशनल पार्क है सो so, नेशनल पार्क फॉर एग्जाम्पल सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया सतपुरा नेशनल पार्क भी पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व का पार्ट है ओके okay? सतपुरा की पिक्चर आपको यहाँ दिखाई है ये हमारे उत्तराखंड का नेशनल पार्क है राजा जी न, टाइगर रिजर्व नेट पे सर्च करो और इसके बारे में और जानकारी एडिशनल नॉलेज लो ठीक है ये उसमें घूमते हुए आपको एलिफेंट्स नज़र आ रहे हैं ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का ठीक है तो आपको मैं घुमा रही हूँ देखिए कितना दोनों टाइगर्स आपको कितने अच्छे से प्यार से देख रहे हैं और ये टाइगर भी देख रहा है कि ये बच्चे तो मेरे ही बारे में पढ़ रहे हैं और ये लेकिन ऊपर क्या लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देर हैबिटेट ओके सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सिमिलरली नेशनल पार्क की तरह ही होती है जो कि प्रोटेक्शन उनको मिल रहा होता है एनिमल्स को ये पर्टिकुलरली एनिमल्स के लिए है और नेशनल पार्क में दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का ध्यान रखा जाता है और यहाँ पे पर्टिकुलरली एनिमल्स का सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का के जान के बारे में जानकारी देखिए कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं ठीक है और एक बात और याद रखनी है द किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इट इज़ नॉट अलाउड ओके नॉट अलाउड हंटिंग इज़ पनिशेबल एक्ट देयर ओके ये देखिए लोग घूमने सफारी बोलते हैं हम लोग जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सफारी ये सफारी में लोग देखने आए हैं और देखिए इनको इनका मनोरंजन कर रहे हैं ये लायन कैसे मनोरंजन कर रहे हैं और वो देखिए कैसे डरे पड़े हैं जो विज़िटर्स हैं सो so, अच्छा लगता है ये बट ऐसे एनिमल्स डिस्टर्ब भी हो जाते हैं सो वी शुड टेक केयर ऑफ़ देयर फीलिंग्स आल्सो और ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के एग्जांपल्स हैं कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कश्मीर में है जम्मू कश्मीर में ये दिस इज़ वन ऑफ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया द कोाक्रम कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट प्रोवाइड शेल्टर टू द रेयर ब्रीड ऑफ़ टिबेटन एंटी लोप ऑल्सो कॉल्ड चीरू क्योंकि आप टिबन स्कूल में हैं तो यू शुड यू शुड नो दैट वी द इंडियंस दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द टिबटन एनिमल्स that is tibetan antelope and they are protected in this wildlife century then this is pariyar wildlife century which is found in uh, kerala the wildlife the pariyar wildlife century is one of the best wildlife century in india best hey it gets its name from the pariyar lake that flows through it इस सेंचुरी में आपको एक लेक भी मिलेगा द वाइल्ड लाइफ सफारी आप घूमने जाएंगे तो सफारी बोलते हैं द वाइल्ड लाइफ सफारी थ्रू दिस सेंचुरी इज इनफ टू मेक योर डे एब्सोल्यूटली वंडरफुल वेरी गुड जाइए घूमने जाइए देन इस साइड पे आपको दिखाई दे रहा है चिल्का चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में ठीक है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज Uh, you can search on google for many more which are in india so i can say that india has rich wildlife and forest and we should take care we should be very full very much uh, compassionate with the animals we should love animals see and this uh, lion is yawning relaxing इन द इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके अब ये देखिए ये एनिमल तो पिंजरे में है आप लोग गए हैं जू में जू देखा है वॉट इज अच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ जूलॉजिकल पार्क और जोलॉजिकल गार्डन इट इज ऑल्स इट इज़ अ फैसिलिटी इन विच गार्ड एनिमल्स आर कन्फाइंड विद इन एनक्लोजर्स उनको पिंजरे में रखा जाता है केज में रखा जाता है और उनको लोगों को दिखाया जाता है दे आर डिस्प्ले टू द पब्लिक पब्लिक वहाँ पर आती है देखती है पब्लिक को भी तो जानकारी चाहिए कि उनके देश में या उनकी इस दुनिया में कैसे कैसे एनिमल्स हैं वो किस तरह से रहते हैं क्या खाते हैं ये सब देखने के लिए लोग इन्जॉय करने के लिए भी जाते हैं ओके okay? ओके okay.